भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल विवादों में घिरे हुए हैं, जहां कई बड़े बड़े पहलवान इनके खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। तानाशाही रवैया से लेकर यौन शोषण तक का आरोप उन पर लगा है। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, हर तरफ बृजभूषण शरण सिंह की किरकिरी हो रही है। इसी बीच पत्रकार रूबिका लियाकत भी बृजभूषण शरण सिंह पर भड़क पड़ी है। चलिए आपको भी बताते हैं कि रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रसिद्ध भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद इस मुद्दे ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। जिसके बाद पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी इस पर बृजभूषण शरण सिंह को खूब सुनाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन खिलाड़ियों ने भारत का सिर फख्र से ऊंचा किया हो, उन्हें अगर धरने पर बैठना पड़े तो समझ लीजिए हालात बहुत जहरीले हो गए हैं। WFI अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी थी, वो तो खुद ही समस्या बन गए। कैसे हो सकता है कि खेल मंत्री को इल्म ही ना हो। अब इस ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा है, जब अनपढ़ गवार नेता देश की ऐसी संस्थाओं के प्रमुख बनेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में मेडल कैसे प्राप्त करेंगे। एक और यूजर ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से समस्या आ रही है। एक और यूजर ने लिखा है, जांच होनी चाहिए। अब आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जहां विनेश फोगाट ने दावा किया है कि लखनऊ के राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया है। इसके बाद से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, जिसमें विनेश फोगाट के साथ प्रदर्शन में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत 30 पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा। मैंने ये नहीं लगाया आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आए कि जिनके साथ में हुआ है, और हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तभी हम ऐसे निकल के आए हैं। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठा रहे तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। कॉस्ट्यूम को लेकर आपको कहना है कि कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहनी, क्या वजह थी? देखिए, अगर आप हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी? कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए, बाकी सारे रेसलर उनके साथ। चलो ठीक है, उनको उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। क्या मांगे आपकी, आपकी क्या? सीधे तौर पर जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कब तक आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हो जाती। हम अपना ओलंपिक्स हमारा आ रहा है इस साल, हमारे क्वालिफिकेशन है, एशियन गेम्स हैं, अगर उन सबको छोड़ के अगर हम अपना कैरियर दांव पे लगा कर इधर बैठे हैं तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अगर घर के कमरे में या बंद कमरे में एक बात सुलझ जाती तो वो सब हमने सब ट्राई करके देख लिया, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेंटली टॉर्चर के सिवा हमें कुछ नहीं मिला उसके बदले में। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप किसी गेम में? नहीं जाएंगे, जितने भी हम एथलीट हैं, जितने भी एथलीट आएंगे, कोई भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत हुआ है 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है जी? बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी, जो कर रहे हैं सब काम।